राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हो, जेंट स्वेटर में भी, जैकेट में, कहीं भी डाल सकते हो। एक डिजाइन ये 16 फंदे का है और 16 ही सिलाई का है। बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में शुरू किया था, पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी आपको। एक फंदा ये डिजाइन से अलग है, ये वाला फंदा सिलाई के लिए है। आगे फिर 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे उल्टे पीछे धागा करके अब 4 फंदे का डिजाइन बनाएंगे। 8 फंदे के 2 डिजाइन बनाएंगे। अब इन 4 फंदे का डिजाइन बनाएंगे, बीच के 2 फंदे हैं, एक फंदा आगे ले आएंगे, एक फंदा पीछे। अब ये फंदा ऐसे पहले पिछला फंदा बना लेंगे, फिर आगे वाला फंदा बना लेंगे। अब ये 2 फंदे बच गए, पहले पीछे वाला फंदा पीछे की साइड से बना लेंगे, फिर आगे वाला फंदा बना लेंगे। अब ये दोनों फंदे इकट्ठे निकाल देंगे, 4 फंदे बना दिए। अब बच गए 4 फंदे। अब ये 4 फंदे भी इसी तरह बनाएंगे, ये बीच के 2 फंदे, एक फंदा आगे ले आएंगे, एक फंदा पीछे। पहले पीछे वाला फंदा बना लेंगे, फिर आगे वाला फंदा बना लेंगे, फिर दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। पहले पीछे वाला फंदा बना लेंगे, फिर आगे वाला फंदा बना लेंगे, फिर दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। अब ये 16 फंदे हो गए, 8 फंदे उल्टे, 4 फंदे का एक डिजाइन बना दिया, 4 फंदे का एक डिजाइन, 16 फंदे आगे बनाएंगे। एक डिजाइन ये 16 फंदे का है। आगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे उल्टे। अब 8 फंदे का फिर डिजाइन बनाएंगे, 4 फंदे का एक डिजाइन बनाएंगे, 4 फंदे का एक। अब ये 2 फंदे जैसे ये फंदे बनाए थे डिजाइन वाले, इसी तरह बनाएंगे। अगर इनको यूँ पीछे वाला पहले बना सको तो पीछे वाला बना लो, नहीं तो फिर ऐसे निकाल के डालो इन फंदों को, पीछे वाला आगे डाल लेंगे। अब ये दोनों फंदे सीधे बना देंगे, 1 2। अब इनमें से भी इन दोनों फंदों को ऐसे पीछे वाला आगे डाल लेंगे और आगे वाला फंदा पीछे, ऐसे ये 2 फंदे भी ऐसे हमें सीधे बना लेंगे। फिर ये 4 फंदे हैं, इनमें से पीछे वाला फंदा आगे ले आएंगे ऐसे, और आगे वाला पीछे। ये तो हम आगे की साइड से ले आए हैं पीछे वाला फंदा, ये फंदा पीछे वाला फंदा पीछे की साइड से आगे ले आएंगे ऐसे। अब ये दोनों फंदे सीधे बना देंगे, 1 2। कोने वाला फंदा ये सिलाई के लिए ये उल्टा बना दिया। अब आगे दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमें सारे फंदे ऐसे उल्टे बना लेंगे, अब जो जितनी उल्टी सिलाई आएंगी वो सारी इस तरह उतारेंगे, सीधी सीधी सिलाई में पलटेंगे फंदे। अब आगे तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में हमें 1, ये कोने वाला डिजाइन से अलग है, फिर 8 फंदे उल्टे, 8 फंदे करके जो 8 फंदे का डिजाइन बनाया था, अब की बार तीसरी सिलाई में ये 8 फंदे हम सीधे बना देंगे। आठ फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे। आगे फिर 8 फंदे उल्टे, 1 1 2 3 4, 8 फंदे उल्टे, 1 2
तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, कोने वाला उल्टा बना देंगे। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बना देंगे। अब ये चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे बना दिए। अब आ गई पाँचवीं सिलाई। अब पाँचवीं सिलाई में हमें आठ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, पीछे धागा करके जिस तरह हमने ये पहले चार फंदे पलटे थे इसी तरह पलटेंगे। पहले ये पीछे वाला फंदा ऐसे, अगर ऐसे डाल लो निकाल के तो ऐसे डाल लो, अगर डले डले बना उसको तो डले डले बना लो। अब ये पीछे वाला फंदा पीछे की साइड से आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा पीछे, बीच वाले दो फंदे एक आगे कर दिया एक पीछे कर दिया, फिर आगे ये चार फंदे फिर इस तरह पलटेंगे। इस तरह पलटो तो इस तरह पलट लो, नहीं तो फिर ऐसे पीछे वाला फंदा पहले बना लेंगे। ये बिल्कुल आराम से बना रही हूँ मैं, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही बनाने में। पहले पीछे वाला फंदा पीछे की साइड से, फिर आगे वाला फंदा, फिर दोनों को इकट्ठा निकाल दिया। अभी यही 16 फंदे फिर बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर पीछे वाला फंदा पहले बना लेंगे फिर आगे वाला, फिर दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। पहले पीछे वाला फंदा पीछे की साइड से बना लेंगे फिर आगे वाला, फिर दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। एक फंदे के पीछे से आराम से बना लोगे आप भी। फिर कोने वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। अब आगे छठी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब छठी सिलाई को भी हमें सारे फंदे उल्टे बना देंगे। अब ये छठी सिलाई पूरी सिलाई उल्टी उतार। अब आ गई सातवीं सिलाई, सीधी सिलाई। अब सातवीं सिलाई में आठ फंदे उल्टे, और जो ये आठ फंदे डिजाइन के थे इनको सीधा बना देंगे। अब यही 16 फंदे बनाएंगे आगे, आठ फंदे उल्टे, आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, कोने वाला उल्टा बना देंगे। अब ये आ गई आठवीं सिलाई। अब आठवीं सिलाई भी जिस तरह हमने दूसरी चौथी छठी उतारी है इस तरह उतार देंगे, सारे फंदे उल्टे बना देंगे। आठ सिलाई ये होगी, आगे आठ सिलाई और बनाएंगे, बनाएंगे इसी तरह, बस थोड़ी ही जगह बदल देंगे डिजाइन की। जो उल्टे फंदे उस जगह डिजाइन बना देंगे, जो डिजाइन बना रखा उस जगह उल्टे बना देंगे। डिजाइन भी इसी तरह बनेगा जिस तरह बनाया है, बस जगह बदलेंगे थोड़ी ही। अभी ये आठ सिलाई पूरी हो गई और एक डिजाइन ये हमारा पूरा हो गया। अभी आठ सिलाई का ये डिजाइन होगा, आठ सिलाई का ये बनेगा, 16 सिलाई का डिजाइन हो गया ये, 16 सिलाई में पूरा होगा हमारा डिजाइन। डिजाइन आठ सिलाई का है, यही 16 सिलाई बार बार बनाएंगे तो ऐसा डिजाइन बनेगा। अब डिजाइन को हम ये वाला इस जगह बना देंगे, इस जगह ये बना देंगे। एक सिलाई बना के दिखा रही हूँ आपको, एक फंदा ये उल्टा बना लिया पीछे धागा करके। अब चार फंदे का डिजाइन बनाएंगे, पीछे वाला पहले बना लेंगे फिर
आगे वाला बना देंगे, फिर पीछे वाला पीछे की साइड पहले बना देंगे, फिर आगे वाला बना देंगे, फिर ये चार फंदे फिर पलटेंगे, पहले पीछे वाला आगे की साइड से, फिर आगे वाला पहले पीछे वाला पीछे की साइड से, फिर आगे वाला, ये दोनों इकट्ठे निकाल देंगे। अब ये आठ फंदे का हो गया, आगे आठ फंदे इस जगह में उल्टे बना देंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अब यही 16 फंदे बनाएंगे। अब इस जगह डिजाइन बना देंगे, एक पीछे वाला बना लिया पहले, फिर आगे वाला बना लिया, फिर दोनों इकट्ठे निकाल दिए, पीछे की साइड पहले पीछे वाला बना लिया, फिर आगे वाला बना लिया, फिर दोनों इकट्ठे निकाल दिए। अब फिर इन चार फंदों को फिर पलटेंगे इस तरह, पीछे वाला आगे की साइड से पहले बना दिया, फिर पीछे वाला पीछे की साइड से पहले बना दिया, फिर आगे वाला बना दिया। अब ये आठ फंदे उल्टे बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, कोने वाला भी उल्टा बना देंगे। अब ये डिजाइन बनेगा हमारा। हाँ जी, मेरा डिज़ाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।